आज वर्ल्ड कप देखकर बॉलीवुड मूवी का वो मशहूर डायलॉग याद आ गया, कितने आदमी थे? दो आदमी। और तुम कितने? पूरे 11। फिर क्या हुआ? बहुत मारा, चारों तरफ मारा, घुमा घुमा कर मारा। इंडिया को तो एक नशा हो गया जीत का, वो नशा अब हर चीज का नशा है। अवाम को भी नशा करवा चुके हैं, उनको एक आदत हो गई है जीतने की। तो वर्ल्ड कप 2024 की सबसे फेवरेट टीम माने जाने वाली ऑस्ट्रेलिया हारी है, बल्कि बुरी तरह से हारी है। इंडिया की मैं कितनी तारीफ करूँ, इस मैच में इंडिया की इस बॉलिंग की मैं कितनी तारीफ करूँ, मैं कितनी तारीफ करूँ। आगे इंडियन टीम ने डंडा दे दिया पूरी T20 वर्ल्ड कप को, ठीक है। तो भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही है कि कुछ जादू इंडिया की ब्लू जर्सी के अंदर भी है, कि जब ये लड़के पहनते हैं तो एक अलग ही अंदाज नजर आता है, एक अलग ही जज्बा और जोश नजर आता है टीम के अंदर। वो किसी टीम को नहीं छोड़ रहे, जो टीम उनके सामने आ रही है उन्होंने वही पिछाड़ के रख दिया। यही तो कयामत है। माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया आज इंडिया ने, जो है ना वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है मिचेल मार्श, और तुम्हारे मुंह पे लाना तो भाई। उन्होंने बदला ले लिया अपना, इनकी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा। जसप्रीत बुमराह भाई, बूम बूम जसप्रीत बुमराह, कमाल कर दिया भाई, दिलों में बसता है तू। हम बुमराह की बात करना चाहेंगे, एक ऐसी शानदार स्पेल, हमेशा हर मैच में डिसाइसिव जो स्पेल उन्हीं का होता है, और गेम चेंजर किस्म का बॉलर, और दुनिया के इस टाइम में नंबर वन बॉलर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। और ऐसी जैसे इंडिया खेल रही है, सीधी सीधी बात, किसी से बच्चे से भी पूछोगा कहेगा इंडिया इंडिया, हर चीज में वो आगे हो चुकी। हर बंदा आया और अपनी तुफीक के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा गया। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसने ऑस्ट्रेलिया का घंटा ना बजाया हो। आज की बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। अनबीटेड वो फाइनल में जाने का एक नशा होता है, वो इंडिया ने कर लिया अभी। बट यस, जैसे बिल्ली ने कभी शेर को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, वैसे इंडिया की परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा ने 5 छक्के मारकर भाई मिचेल स्टार्क के कमर की हड्डी तोड़ दी, मजे इसकी माँ का। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। आज पाकिस्तान भर में मायूसी है, तेरी माँ मर गई है, और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। कौन थे वो लोग जो ये कहते थे कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने संघर्ष करते हैं, तकलीफ में पाते हैं? भैया आज रोहित शर्मा ने अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। क्या बैटिंग की है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड कप में आज नजर आया हमें हमारा रोहित हिट मैन रोहित शर्मा। लगता है आज जो है वो पूरा इंडियन हुल्क बन के उतरे हैं, और आज उसको बॉल कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है, मजे इसकी माँ का। 25 करोड़। हाय अल्लाह, इंडिया की मैं कितनी तारीफ करूँ, इस मैच में इंडिया की इस बॉलिंग की मैं कितनी तारीफ करूँ, मैं कितनी तारीफ करूँ। हाय अल्लाह, देखिए इंडिया की टीम जो है वो, यानी उस टीम को 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है, जहाँ एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर लेते हैं। और नहीं तो क्या। और शदीप, आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, पहले मैच से अभी तक हर मैच में उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की है, और मैं कहता हूँ बॉल ऑफ द सेंचुरीज करवा रहा है, क्या क्या इन स्विंग करवा रहा है, नो डाउट के भाई उसने अपना लोहा मनवा लिया इस T20 वर्ल्ड कप में आगे। अगर उसके बाद देखें बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवा रहा है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अगर उसकी इकोनॉमी उठा के देख ले तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट इकोनॉमी होगी। इंडिया डिजर्व टू विन, उन्होंने हर मैच अपनी जान जोखिम से जीता है, जान लड़ा के जीता है। और बुमराह तो ये कह सकते हैं कि एशिया कप के स्टार्ट से बुमराह हाइप क्रिएट हुई थी। बुमराह तो एशिया कप से लेके अभी तक हाइप पे ही है, ठीक है, और वो परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं, उसको हाइप मिल रही है, ठीक है। इंडिया आपको एज अ टीम बन के खेलता हुआ नजर आएगा, एज अ यूनिटी के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है जो तिनके की तरह बिखर जाएगी। अगर बात की स्ट्रीक की, तो डेफिनेट बात है कि स्ट्रीक भाई फाइनल तक चलेगी, हाँ। जैसे 2023 में चली, इंडिया के लिए नई बात नहीं है, हाँ। ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इंडिया बार बार करता रहता है। तो जीतना ये वर्ल्ड कप इनका ही, हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को खेल ही नहीं यार। ये विराट कोहली की बात है, वो तो एक नंबर प्लेयर है, ऊपर से उनकी बैटिंग बॉलिंग सबसे नंबर वन में जा रही है। ऐसे इसको कहते हैं क्रिकेट, हमारा बाबर आजम को देखो 5 रन बना के पहले जाता है, पता नहीं थक जाते हैं, बिरयानी का याद आती है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आज का जो मैच उसने जीता है, बहुत खुशी हुई है, इसको कहते हैं प्लेयर बाबर आजम, कुछ सीख ले साथ ही है, हम तो यही उसको टीस देंगे और कुछ नहीं कह सकते। वो 2023 वाली टीम इंडिया नहीं रही, जो जिस बूट में तुम वो पेरी रहे थे ना, जिस बूट में लगता है, हाँ लगता है वो वाला नशा अभी इसको चढ़ा हुआ है। इंडिया को तो एक नशा हो गया जीत का, वो नशा अब हर चीज का नशा है, अवाम को भी नशा करवा चुके हैं, उनको एक आदत हो गई है जीतने की, स्टेक रखने की,
बैक टू बैक विंस की अगर बात करें अनबीटेड वो फाइनल में जाने का एक नशा होता है वो इंडिया ने कर लिया है। अभी टीम तो देखो यार इनकी बड़े बड़े नाम है वहां के अंदर, तो माइटी रही नहीं है, माइटी थी अनबीटेबल जब अफगानिस्तान से हारी नहीं थी तब माइटी थी, अब अफगानिस्तान से हार गई तो अब माइटी की बजाय नाइटी हो गई है भाई। महंगे तो इनको समझ ही नहीं आनी कल इनके साथ हुआ क्या है, वहां पे जो है ना वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है मिचेल मार्श और तुम्हारे मुंह पे लाना, तो भाई मैं कहता हूँ नशे में आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की बचा के रख दिया यार। तो जनाब ये जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। मैच देखकर आप सब हैरान हो गए होंगे, रोहित शर्मा ने क्या पेला, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है रोहित शर्मा ने यार, इतना अटैक मिचेल स्टार का तो कैरियर खत्म हो गया है, उस बेचारे का समझ नहीं आ रही यार, इतने छक्के यार, मजा आ गया रोहित शर्मा यार। क्या एटीट्यूड है यार, क्या एटीट्यूड है, क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई है। कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है लड़खड़ा के इस तरह से खड़ी होगी। जबरदस्त पारी भाई रोहित शर्मा की, मजा आ गया भाई। मैं तो कुछ वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो सब गए साइड में, पहले बैटिंग देखेंगे भाई की। मजा आ गया भाई। क्या बैटिंग की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया विन करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने लिया ना, बांध के लिया उन्होंने। बात सुनो, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो फुदक रहा है, इंडिया हिंदुस्तान अब आपके पास वो मौका है। ओल्ड रोहित शर्मा, द किलिंग रोहित शर्मा, द रो सुपर हिटमैन रोहित शर्मा इज ईटिंग ऑस्ट्रेलियंस यार, क्या धागा खोल के रख गए ऑस्ट्रेलियंस का। मुगेम्बो खुश वक्त, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया जनाब, बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो गयो, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। किट्टू खुश हुआ, उनको पता है कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने हमें फाइनल हराया था, और हमारे पास इससे ज्यादा बड़ा मौका नहीं हो सकता। पिछली हार का बदला उतारे, सिर्फ इनको हराना नहीं है, इस टीम को आप इनको वर्ल्ड कप से बाहर फेंकना है, बिल्कुल फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया, माय गॉड, डेफिनेटली इंडिया जीत गया, घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ मार मार के भुड़ता निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया का। पेला 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 एक कंगारू, ऐसा पेला कि बन गया कोवा काला, वाह 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 बोलो, उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर धड़ाम। पैट कमिंस को जो सबसे आहर में छक्का पड़ा, इतना लंबा छक्का वो ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है। इतने बड़े हरीफ को हरा के और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके इसकी डबल खुशी होगी आई एम श्योर। हैट्रिक मारने वाले, दो हैट्रिक मारने वाले को जो है वो भी छक्का खा गया, लंबा छक्का भाई। अभी कॉल है भाई एयरलाइन से के भाई हमारे हवाई जहाज के शीशा टूट गया भाई, मजे इसकी माँ का। मजा आ रहा है भाई। हिस्ट्री की सबसे बड़ी और बेहतरीन इनिंग जो मैंने देखी है मेरी एज में, वो आज इंडिया खेल गया। वो समझ रहे थे विराट कोहली गया तो बस अब हम मैच जीत गए, जैसी उनकी सेलिब्रेशन थी भाई, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया विराट कोहली को जीरो पर आउट करके, बट नहीं, रोहित शर्मा खड़ा है भाई, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया यार, आप देखो तो सही यार। छक्के तो हर सब मारते, बटलर भी मारते, रूट भी मारते, स्टोक्स भी मारते, सब बड़े प्लेयर मारते हैं, लेकिन जो उसका स्टाइल है ना मारने का, वो छक्का देखने का मजा आता है, वो उनको एक ही गेम आती है मारना। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कोई मजाक नहीं है, उन्होंने मारा टका। अब घंटा बजा दिया आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, ओए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है, बजा दिया है। इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप, मजा आ गया, हलवा खाएं और सो जाएं। ये वही ऑस्ट्रेलिया ना, वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आप फेवरेट मानो, टफ टाइम देगा इंडिया को। अब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। अब मेरा एल जीतेंगे ये, मैं जानता हूँ, जीतेगा तो इंडिया जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप, सबको पता है, बच्चे को गली गली में पता है इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार, इंडिया ने तो बता दिया, और कितनों को हराया उसने, आधे पूरे एशिया को हराया, जितने भी उसमें टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन टीम थी। मैंने एक चीज बड़ी देखी है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया और एक पाकिस्तानी मीडिया, ये फुदड़ नहीं बाहर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं में बड़ा जज्बा था, बड़ा घमंड था, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपकी जो आकड़ थी, इनको लगता था जो है वो हम है, हमारी टीम दुनिया में सबसे ऊपर है, बाकी कीड़े मकोड़े हैं।
सुनते जाइए। और अफगानिस्तान से हारने के बाद तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि हम इस हार का बदला इंडिया से ले लेंगे। ले लिया ऐसा रोहित शर्मा आपने नहीं देखा होगा भाई, स्टार्ट से उसके अंदर जो फानियों के अंदर आग थी उससे 10 गुना बड़ी आग है रोहित शर्मा के अंदर, उससे 10 गुना ज्यादा उसके अंदर है कि भाई मैंने बदला लेना है। ये जो रोहित शर्मा की पावर हिटिंग है ये बदले वाली पावर हिटिंग है, ये बदला लेने वाली पावर हिटिंग है कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है। हमारे भारतीय टाइगर्स ने इनको ऐसा फेंटा लगाया कि ये जो हवा में उड़ रहे थे ना नीचे आकर गिरे, और हमारी इंडियन टीम ने इनको बताया कि बेटा कंगारू हवा में नहीं उड़ते, वरना जो वो बच्चों वाला खेल है ना चिड़िया उड़ वाला उसके रोल ही चेंज हो जाएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो इंडिया जिस तरह से नंबर वन होता चला जा रहा है, इंडिया की टीम जो है वो यानी उस वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है। जहां एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं ना, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। शानदार किस्म की फतह जो है वो हासिल कर चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, छा गया इंडिया ठा करके। इंडिया इस टाइम टॉप पे ही है, सही है, इंडिया वर्ल्ड कप विन करेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।